वालेकुम डॉक्टर अर्शद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर वेलकम वीडियो में बात होगी कि हमने चूज़ों के पहले सात दिनों के दौरान उन्हें क्या क्या चीज़ें खिलानी हैं ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो हम गर्मियों के मौसम में चूज़ों की ब्रूडिंग किस तरह से करें किस तरह से पहले पाँच से सात दिन उनके गुजारें कि उनकी अमवात भी ना हो और उन चूज़ों की नशो भी बेहतरीन तरीके से होती रहे तो अर्ज करता चलूँ कि चाहे आपके पास चूजे थोड़ी तादाद में हैं या ज्यादा तादाद में हैं, आपने इस तरह से ब्रूडर बनाए हुए हैं जैसे आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं या आपने अलग-अलग से उनको किसी कमरे के अंदर रखा हुआ है आपने हैचरी से चिक्स मंगवाए हैं या घर पे मुर्गी के नीचे से निकलवाए हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना उनका और ख़ुराक की रिक्वायरमेंट्स और गर्मी से महफूज़ रखना मौसम सरमा के अंदर अच्छी परवरिश पाना सबकी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी होती हैं ये सामने जो सीन आप देख रहे हैं ये फ्रोज़न ट्रीटमेंट है ये इस सीज़न के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उस वक़्त सब्ज़ियों को पानी में मिक्स करके फ्रीज़ करना जमा देना और फिर अपने चिकन्स को ऑफर करना ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट होती है उसके अलावा आप ट्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक तरफ एग्जास्ट फैन और दूसरी तरफ इस तरह से पैड्स लगा देते हैं ये बिल्कुल सस्ते पड़ते हैं इनकी टोटल कास्ट हज़ार से भी कम पड़ती है अगर आपने इस तरह से छोटे छोटे से बॉक्सेस रखे हुए छोटे छोटे से कंटेनर रखे हुए तो हरारत की तकसीम चारों अतराफ में एक जैसी होनी चाहिए जितनी हरारत बिल्कुल दरम्यान में जा रही है उतनी हरारत अतराफ में भी जानी चाहिए इससे चूज़ों की ग्रोथ एक जैसी होती है इससे उनकी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से होती है शुरू में पहले दिन के ऊपर आपके चिक्स को 34.5 या 34 यानी कि चौंतीस से 35 के दरमियान टम्परेचर चाहिए होता है अगर आपने मुर्गा अलग से रखा हुआ है या अलग टोकरियों में मुर्गा आया है तो उसको आधा डिग्री या एक डिग्री ज़्यादा टम्परेचर दें पानी का जो बर्तन है वो बिल्कुल हाउस के ब्रूडर के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए पहले दिन पे जो चिक्स को जगह मुहैया की जाती है वो अशारिया दो पाँच स्कैर फुट फी चिक के हिसाब से मुहैया की जाती है इसको हम वक़्त के साथ साथ खोलते रहते हैं अब बात करते हैं कि बाहर जब बहुत ज़्यादा टम्परेचर हो तो उस सूरत में क्या करते हैं ये छोटे छोटे से इस तरह से पैड्स लगा देते हैं आगे की जानब फ़ैन और एक तरफ़ एग्जॉस्ट फैन एग्जॉस्ट फैन लगाने से क्या होता है कि अंदर जो अमोनिया गैस की थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्शन हो रही होती है जो हबस बन रहा होता है अंदर की जनब जो चिक्स की नशो नमा में रुकावट होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है आपके चिक्स की बेहतरीन किसी नशो नमा के लिए घरेलू पैमाने पे आप जो अजनास इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि फ़ीड की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जितनी ज़्यादा फीड वेस्ट होती जाएगी वो नीचे बेडिंग के साथ मिक्स होकर नीचे जो आपने मटेरियल बिछाया वो उसके साथ मिक्स होकर चिक्स के लिए जहर का ज़रिया बनती जाती है और वो फीड के साथ साथ ये वाला नीचे से जो राइस हस्क होता है ये भी खाना शुरू कर देते हैं जो लकड़ी का बरादा होता है इसे भी खाना शुरू कर देते हैं और ये फिर जाके इनके पोटे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर इनको चोकिंग जैसे मसाइल का सामना आना शुरू हो जाता है तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपने फीड के लिए ऐसे बर्तनों का चुनाव करना है कि जिनसे फीड बिल्कुल वेस्ट ना हो इस मौसम के अंदर पहले दिन पे जब आप 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मुहैया कर रहे होते हैं मसाला है किसी वजह से आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते बाहर का टम्परेचर बयालीस है या चवालीस है या अड़तालीस है तो उस वक्त पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का या ओ आर एस का या ग्लूकोज का चलाना रिकमेंड करते हैं हम उस वक्त कोई एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल या वाटर कूलर का इस्तेमाल कि जो अंदर की जानब चिक्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करे अगर वो भी नहीं तो आप पानी का छिड़काव करके स्प्रे करके अपने चिक्स के ऊपर उनका टम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इस सीज़न के दौरान बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जब चिक्स फीड खाते हैं बहुत हरारत पैदा होती है उनके जिसम के अंदर ये वो टाइम होता है कि जब उनका बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त हमने उन्हें वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है जितना ज़्यादा पानी पियेंगे इन सीज़न के अंदर इस मौसम के अंदर और ऐसे हॉट किस्म के वेदर में उतना ज़्यादा उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मैंटेन होना शुरू हो जाता है उनका जो थर्मोरेगोलेशन का प्रोसेस है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होता है किसी भी नस्ल के आग के पास सिक्स हूँ आगाज़ में उनको जो बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है वो सब का सेम ही होता है जब बाहर का टम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उस वक्त चिक्स को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवानी पानी उन्हें ज़्यादा लंबा फासला ना तय करना पड़े पानी को तलाश करने के लिए पानी के बर्तनों में इजाफा करना और स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देना जैसे मैंने कहा कि पहले दिन पे पॉइंट टू फाइव स्केयेयर फुट पर चिकन स्पेस होनी चाहिए लेकिन अगर बाहर बहुत ज़्यादा टम्परेचर है आपने सारे सोसिस इस्तेमाल कर लिए उस टम्परेचर को मेनटेन करने के लिए लेकिन आप नाकाम हैं अब ये टाइम है कि आपने जगह खोलनी है आपने पहले दिन पर चिक्स को पॉइंट थ्री टू पॉइंट थ्री फाइव यहाँ पर रखना है यानी कि थोड़ी सी जगह खोलनी है और अब आपने जो चिकन को फ़ीड ऑफर करनी है उस फीड को भी आपने मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पर ज़्यादा ऑफ़र करना है दिन के टाइम आपने कम ऑफ़र करना है ये पानी के अंदर या तो आप इलेक्ट्रोलाइट शामिल करें या ग्लूकोज शामिल करें और फीड के अंदर अगर आप ड्राई मिल्क देते हैं इस मौसम के अंदर तो वो एक तो उनका जिसमानी दर्जा बड़े आसानी तरीके से मेंटेन रखता है और दूसरा उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है प्रोबायोटिक के तौर पे दही का इस्तेमाल और प्रीबायोटिक के तौर पे लहसन का सोयाबीन के बीज का और प्याज का इस्तेमाल ये इस मौसम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके चिक्स को ग्रोथ देता है बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ीड इंटेक होती है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा बेहतरीन होना शुरू हो जाता है पहले दिन के ऊपर आप फीड को नीचे अखबार पर बिछा सकते हैं कि वहाँ से चिक्स थोड़ी थोड़ी सी मकदार में उसको खाते रहें लेकिन जैसे ही दूसरा तीसरा दिन आता है जैसे ही आपके चिकन्स की जो भीठे हैं उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है उसके बाद आपने फीड नीचे नहीं डालनी क्योंकि उनके साथ अगर बीठे मिक्स होना शुरू हो गई तो ये बहुत ज़्यादा गदला मटेरियल बन जाएगा और फिर चिक्स के जो नीचे पंजे होते हैं और आगे की जानब जो छोटे छोटे से नाखन होते हैं उनके साथ रोड़ियाँ चिमटना शुरू हो जाती हैं अगर आप इस तरह से छोटे छोटे से ब्रूडर्स रखते हैं और उन पे ऊपर की जनब आप हवा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोटे छोटे से फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये बड़ा इजी हो जाता है चिक्स का टम्परेचर बरकरार रखने के लिए हॉट वेदर के अंदर गर्मियों के अंदर लेकिन ये तो बात होगी अगर आपके पास थोड़े चिक्स हों अगर आपके पास ज़्यादा चिक्स हों तो वो वाली स्ट्रैटीज़ अपनानी है जो थोड़ी देर पहले आपने वीडियोज़ के अंदर देखी हैं यहाँ पर आप स्क्रीन से उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं मुखलिफ अकसाम के ब्रूडर्स आपको दस्तियाब होते हैं कि जिसमें आप चिक्स के जो पहले कुछ दिन होते हैं जो क्रिटिकल डेज होते हैं क्रूशल डेज होते हैं उनको वहां पे गुजरवाते हैं जैसे ही आप देखते हैं कि आप ये अपना बॉडी टम्परेचर ख़ुद मेंटेन करने के काबल हो गए आप उनको खुले इन्वायरमेंट के अंदर या किसी मुर्गी खाना में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि शुरू में चिक्स के अंदर अपने जिसमानी दर्जा हार को बरकरार रखने की सलाहियत नहीं होती काबिलियत नहीं होती इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है इसलिए हमें उसे इस तरह के सोर्सेज देने पड़ते हैं कि उसके लिए ये सारा प्रोसेस मुश्किल ना हो क्योंकि चिक्स जो होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड तो होते कोई नहीं उन पसीना आता कोई नहीं उन्होंने अपनी जो हरारत होती है वो पेंटिंग कर के मुंह खोल के रेडिएशन और कंडक्शन के जरिए और पेंटिंग के जरिए मुंह से बाहर निकालनी होती है और अपने जिस्म को उन्होंने ठंडा रखना होता है जैसे ही हवा उनके जिस्म के अंदर की जानब आती है वो जुबान से टकरा के अंदर आती है जबान के ऊपर छोटे छोटे से पानी के कतरे होते हैं और इस तरह से जो हवा अंदर आती है उनके जिसम के अंदर उसमें नमी की मेदार बढ़ी होती है और वो अपने आप को ठंडा फ़ील करते हैं अंदर जो उनके आर्गनस होते हैं जिगर दिल गुर्दे फेफड़े वग़ैरह वो आस्ता-आस्ता से ठंडे होना शुरू हो जाते हैं कूल फ़ील करते हैं वो मल्टी वाइटामिनस का इस्तेमाल करना इस मौसम के अंदर जब बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो ये आपके चिकन को काफ़ी ज़्यादा सहारा देते हैं उनको अनर्जी देते हैं इसके अलावा अगर आप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं डेली की बुनियाद पे आप उनके सामने 10 से 15 मिनट के लिए तरबूज रखते हैं वो अपनी जिसमानी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा मकई इस मौसम में रिकमेंडेड नहीं है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या जिसम के अंदर कार्बोहाइड्रेट पैदा करके और ज़्यादा गर्माइश पैदा करते हैं बाजरा आप इसी तरह साबत फार्म में या इसको किसी दूसरे अजनास के साथ क्रश करवा के मिक्स करके शामिल करके चिकन को देने से आपको वाजह तौर पे उनका वेट गेन नज़र आता है वाजह तौर पे ये नज़र आता है कि ये मौसमी असरात का मुकाबला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट में भी इन्होंने आपको मेंटेन रखा हुआ है तीस चीज़ों के लिए एक हफ़्ते में सौ ग्राम उबले हुए चावल बहुत, बहुत बेहतरीन ज़रिया होते हैं उनकी एनर्जी के लिए मौसम का मुकाबला करने के लिए आयरन और कैल्शियम के बेहतरीन किस्म के सोर्स के तौर पर कार्बोहाइड्रेट इनमें कम होती है फाइबर इनमें कम होती है प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं इन्हें चिक्स की रेगुलर डाइट के अंदर शामिल करना बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटेजी होती है मुख्तलिफ़ दालों को उबाल कर उसका पचास ग्राम पोर्शन अलदा करके ये भी आप थर्टी चिक्स के लिए यूज़ करें तो प्रोटीन फाइबर वाइटामज और मिनरल्स का एक अच्छा ज़रिया होते हैं आपकी फ़ीड कास्ट कम का आ रही होती है अगर आप कमर्शल ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है बूस्टर के तौर पर आप अंडों को उबाल के ऊपर से छिलका उतार के चूज़ों को ऑफ़र करते हैं तो ये उनके जिस्म के अंदर गर्मैश का बहुत ही अच्छा ज़रिया बनता है ये उनके लिए ताकत का ज़रिया बनता है अगर आप इसके साथ गार्लिक को यूज़ करते हैं तो ये इम्यूनो बूस्टर है बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की इम्यूनिटी अपने चिकन को ऑफ़र होती है इससे इसलिए ये वाली चीज़ें जितने भी वीडियो के अंदर दिखाता जा रहा हूँ और बताता जा रहा हूँ ये शुरू में ब्रूडिंग के दौरान चिक्स की केयर के लिए ख़ास तौर पर समर सीज़न में मौसम गर्मा में बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरकीब होती है बहुत अच्छी किस्म की मनसूबा बंदी होती है इस तरह से इनको हल्का हल्का से आपने छोटे टुकड़ों में तकसीम करके साथ इसके आप गार्लिक मिक्स करके चिकन को ऑफ़र करते शुरू में कैल्शियम का कोई ना कोई सोर्स लाजमी दिया करें चाहे आप वो ग्रिड की सूरत में दें लाइमस्टोन की सूरत में दें अंडू के छिलकों को क्रश करके दें और सनामून का इस्तेमाल करना दालचीनी का इस्तेमाल करना ये चिकन्स की कोत मदाफ़त के लिए उनको बीमारियों से महफूज़ रखने के लिए पालक आयरन के सोर्स के तौर पर कैल्शियम के सोर्स के तौर पर और सेब का सिरका उनकी भूख को बढ़ाने के लिए और सेहत को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अपना ख्याल रखिएगा फी अमान